से एकदम भरपूर बना हुआ है। यहाँ पर अब डॉक्टर नहीं मिलते, यहाँ पर कुत्तों की लेटरिन, ये गांजा का पेड़, जंगल झाड़ियाँ, यही सब यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये गुम्मा से मारने दीजिए, मारने दीजिए, मारने दीजिए, मारने दीजिए, मारने दीजिए। देखिए गुम्मा से किस प्रकार मारा जा रहा है, देख सकते हैं किस प्रकार गुम्मा और चप्पल से, देखिए 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 किस प्रकार चप्पल से मीडिया कर्मी को मारा जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार, देखिए 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 देख सकते हैं आप देख सकते हैं, देखिए देखिए देखिए। हाँ सुनिए, हाँ बुलाओ, देखिए 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 आप देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, लाठी भी चल रही है, देख सकते हैं आप देख सकते हैं, हाँ और मारिए। स्वास्थ्य केंद्र पर अव्यवस्था और गंदगी का वीडियो दिखाना पड़ा पत्रकार को महंगा। इनम ने पहले ईट चप्पल लाठी से पीटा, फिर लिखवाया फर्जी मुकदमा। वीडियो हुआ वायरल तो मुख्यमंत्री ने दिया एनएम पर कार्रवाई का आश्वासन। अखिलेश यादव ने कहा हर जिले में हो ऐसा पत्रकार तो खुल जाएगी पोल। यूपी के सुल्तानपुर में एक यूट्यूबर पत्रकार की एनएम द्वारा चप्पल लाठी ईट से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। खबरों के मुताबिक यूट्यूबर पत्रकार ललित यादव को स्वास्थ्य केंद्र के गंदगी और अव्यवस्था जनता को दिखाने पर नाराज वहां तैनात एनएम जनक लली पत्नी प्रभाकर त्रिपाठी ने दबंगई दिखाते हुए पत्रकार को ईट चप्पल और लाठी से पीट दिया। इतना ही नहीं बल्कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एनएम जनक लली त्रिपाठी ने उल्टे पत्रकार के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। पूरे भार थाना अध्यक्ष ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और तत्परता दिखाते हुए यूट्यूबर पत्रकार ललित यादव को जेल भेज दिया। घटना का वीडियो अब वायरल होने के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर कहा कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने लिखा कि सुल्तानपुर में एनएम सेंटर में पत्रकार के साथ महिला स्वास्थ्य कर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने, चप्पल लाठी से पीटने संबंधी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा प्रकरण की जांच हेतु एसीएमओ की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है। जाँच रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर मांगी गई है। दोषी स्वास्थ्य कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा के शासन काल में प्रदेश के सरकारी अस्पताल की दुर्व्यवस्था का हाल उजागर करने वाले एक मीडिया कर्मी को स्वास्थ्य कर्मी द्वारा पीटे जाने की घटना को आपराधिक मामले की तरह देखा जाए। अगर हर जिले में एक भी ऐसा दुस्साहसी पत्रकार हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सच्चाई सबको पता चल जाएगी। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अन्य खबरों के लिए विजिट करें thepublicexpress.com।